शर्मा जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नीलम गोत्रा जी जिंदाबाद 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 आज वार्ड नंबर 40 का दौरा किया है। 4,74,000 रुपये की लागत से 3 गलियों का निर्माण, इसमें 2 गलियां और एक जो है ड्रेन उसका कार्य शुरू करवाया है। ऑनरेबल कार्पोरेटर हमारी यहाँ की श्रीमती नीलम रगोत्रा जी मेरे साथ हैं, संजय बड़ू जी, अयोध्या जी और यहाँ पर जितने भी प्रबुद्ध नागरिकगण हैं मेरे साथ हैं। काफ़ी समय पहले इन गलियों का निर्माण करवाया था, लेकिन पानी की पाइप्स पड़ने के बाद कुछ समस्या थी जिसके चलते गलियाँ जो थी वो ख़राब हुई थी। और ख़ास तौर पर बरसात लगातार से हम सब जानते हैं कि जो बरसात के सीज़न में यहाँ पर लोगों को दिक्कत हो रही थी, इसी के चलते CDF से पिछले दिनों में 4,74,000 रुपये इन तीनों गलियों के लिए दिया था। आज विधिवत रूप से इन तीनों गलियों की जो है वो शुरुआत कराई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के हमारी पार्टी के सभी सदस्यगण का और ख़ास तौर पर हमारी ऑनरेबल कॉर्पोरेटर का, जिनके माध्यम से ये कार्य मेरे ध्यान में लाया गया था और इस कार्य की शुरुआत हुई है। मैं यहाँ के सभी रहने वाले लोगों से प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि जो देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है स्वच्छ भारत का, हम सब भी मिलकर इसकी तरफ काम करें। हम लोग स्वच्छता, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो स्वच्छता तभी ला सकती है, तभी यहाँ पर एक अच्छा वातावरण बन सकता है, या जब यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं, यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, अपने घर की गंदगी नालियों में ना फेंक कर, अपनी गलियों में ना फेंक कर, जो हैं एक ही जगह जहाँ पर एक विधिवत रूप से कूड़ादान बड़ा रखा हुआ है वहाँ पर फेंकें। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर आने के बाद जितना एक स्नेह यहाँ पर लोगों द्वारा मिला है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और एक अच्छे कार्य की शुरुआत आज यहाँ मंदिर के बिल्कुल सामने हुई है। मैं पुनः आप सबको बधाई भी देना चाहता हूँ, आप सबका धन्यवाद भी।